अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वीडियोस के बारे में के लेक्चर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, तो हमने अभी तक 4 लेक्चर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में रिकॉर्ड किए हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये चारों हमने रिकॉर्ड किए हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा, इंशाल्लाह आप सबको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। कोशिश करेंगे कि जब भी लेक्चर ख़त्म हो तो आपके दिमाग में टॉपिक बैठ जाए, उसे याद रखने और फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, वट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है। सबसे पहली बात जो कि बहुत जरूरी है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात जो समझना है वो ये है कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, एसेक्सुअल तो बाइनरी फिजन भी था, मल्टीपल फिजन भी था, बर्डिंग स्पोर फॉर्मेशन भी था। इनको तो हमने समझने की कोशिश की और हम समझ गए हैं इसके बारे में। अब ये फ्रेगमेंटेशन कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो आप सबको पता तो है कि बच्चे पेरेंट्स से पैदा होते हैं, और ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके लिए तो एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। तो देखिए, बात ऐसा है, मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम में आपको समझाऊंगा, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों, समझ गए, ये एक ऑर्गेनिज्म। अब ऐसा हुआ कि जिंदगी की कुछ टाइम पे जब ये रिप्रोडक्शन करना चाहता हो तो इसका ये जो एक हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से कट जाए। तो अगर ये हिस्सा यहां से कट गया तो हिस्सा तो इस तरह हो जाएगा ना, ये वो हिस्सा था जो कट गया, ठीक है, और ये वो जानदार है। डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों। देखिए, समझ गए आप, ये जो हिस्सा है, ये इस हिस्से को हम फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट, हिस्सा। और क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स। अब देखें, ये एक फ्रेगमेंट हो गया और ये सारे का सारा दूसरा फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, हिस्सा, दो हिस्से हो गए ना। तो अब जाके क्या होगा, अब आगे जाके इस तरह होगा कि ये जो फ्रेगमेंट था ये भी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, देखा, और ये जो फ्रेगमेंट था ये भी अपने आप को दोबारा पूरा करेगा। देखिए कितने जानदार बन गए, दो बन गए, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी। तो ये क्या हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई ना, एक से दो हो गए, रिप्रोडक्शन तो हो गई। तो किस चीज से रिप्रोडक्शन हो गई, जानदारों के फ्रेगमेंट से। जब नया जानदार बनेंगे, एक जानदार के बॉडी के किसी हिस्से से जब एक नया जानदार बनता है तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको ये पिक्चर याद हो तो आप इंशाल्लाह कभी भी फ्रेगमेंटेशन को नहीं बोलेंगे। देखिए, बात यह है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। अब एक टाइम ऐसा आया कि इस ऑर्गेनिज्म के का कुछ हिस्सा जो है वो टूट गया, तो जो हिस्सा टूट गया वो हिस्सा भी डेवलपमेंट करना शुरू किया उस हिस्से ने, और क्या बना दिया, उसी तरह का एक नया जानदार बना दिया, और इससे जो हिस्सा कट गया था इसने भी अपने उस हिस्से को दोबारा पूरा किया, और क्या किया,
एक नया जानदार बना दिया। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट्स राइट, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड, नए जानदार बनते हैं किस चीज से? अब बताए जल्दी, फॉर्म्ड फ्रॉम, यस, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के फ्रैगमेंट से नया जानदार बनता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में होता क्या? द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट और दूसरा फ्रेगमेंट। यहाँ पे अगर हम लिखे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। ऑर्गेनिज्म किस चीज में स्प्लिट हुआ? फ्रेगमेंट में स्प्लिट हुआ, एक फ्रेगमेंट ये और एक फ्रेगमेंट ये। अब आगे जाकर क्या होगा? ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म, ईच फ्रेगमेंट फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट से क्या बनेगा? नया जानदार बनेगा। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए, ये जो जानदार था, ये दो बच्चे इसके बन गए ना, ये दोनों बच्चे अपने बाप इसी तरह अपने पेरेंट पे गए हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में हम कहते हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल, बोथ आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। इस बात को समझने की कोई जरूरत नहीं कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हमने एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बताया था कि एसेक्सुअली जो भी जानदार पैदा होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ये हमने बताया था। अब मैकेनिज्म को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, मैकेनिज्म को। तो दोस्तों बात यह है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लांट्स में भी होता है, सॉरी, ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो सबसे पहले अगर प्लांट्स की बात करें हम, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आपने बताना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है दोस्तों, ये असल में फ्रेगमेंटेशन है। किस तरह? देखिए गौर से, हम क्या करते हैं, हम नया जानदार बनाता है, नया प्लांट बनाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स से। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? जी, वेजिटेटिव पार्ट्स फ्लावर है, स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है। तो होता क्या है, किस तरह, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं। देखिए गौर से, ये एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, और ये इसके शूट्स है, इसके शूट के ऊपर एक पत्ता है, बल्कि एक नहीं बहुत से पत्ते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जमीन है, क्या हो गया कि ये पत्ता यहां से टूट गया। जब ये पत्ता यहां से टूट जाता है तो इस जमीन का कलर अगर मैं चेंज करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी फिर कंफ्यूजन होगी, ये जमीन है तो ये पत्ता यहां से टूट जाएगा। तो जब पत्ता यहां से टूट जाएगा तो कहां पर गिरेगा? जमीन पर, ऑब्वियसली गिरेगा। तो जब ये जमीन पे गिरेगा तो इस पत्ते के यहां से आगे जाके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स ये हम पढ़ेंगे। तो यहां मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, पत्ता यहां से टूट गया और जमीन पर गिर गया, और यहां से जो पत्ते के मार्जिन से रूट्स निकलना शुरू हो गए, और इन्हीं रूट्स से फिर शूट्स निकलना शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया कि नहीं? किस हिस्से से रिप्रोडक्शन हो गई? लीव से। देखिए, लीव से, मैंने आपको कहा लीव से रिप्रोडक्शन। अगर हम जमीन पे से क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं आती, जब जमीन पे हम
इस तरह का खेलने कूदने के लिए इसे बो देते हैं, तो क्या होता है कि इस जगह पे हमने इसे बोया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता रूट्स के थ्रू, ये इसके क्या है रूट्स हैं, तो इसके रूट्स ज़मीन के अंदर आगे आगे जाते रहते हैं, ज़मीन के अंदर आगे आगे जाते रहते हैं, और इन ही रूट्स से क्या बन रहा होता है, छोटे छोटे शूट्स और स्टेम, चमन जिसे कहते हैं, चमन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स हो गए ना, तो इस तरह जब प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन होता है तो ये रूट जो है ये इस प्लांट का एक फ्रेगमेंट होता है। ये देखे, ये लीफ जो है, अब देखिए लीफ कट गई ना, जब लीफ कट गई तो यहां देखिए मैंने एग्जांपल दी थी, एक फ्रेगमेंट और दूसरा फ्रेगमेंट, तो ये एक फ्रेगमेंट हो गया और ये लीफ दूसरा फ्रेगमेंट, अब इस फ्रेगमेंट से एक नया जानदार बन गया, और ये जो जहां से लीफ कट गया है तो ये तो इस तरह नहीं रहेगा, ये जगह दूसरा लीफ बनाएगा, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने बताना है कि प्लांट्स में फ्रेगमेंटेशन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, ठीक है, ऐसे जाके आगे जाके ऐसे हम पढ़ लेंगे। चल अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो जब एनिमल्स की बात करते हैं तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, आते हैं और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। दिस वॉज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इन केस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के केस में फ्रेगमेंटेशन तीन तरीकों से होता है। जब भी कोई एनिमल फ्रेगमेंटेशन करना चाहता हो तो इनमें तो आपको पता है कि एनिमल की बॉडी स्प्लिट होगी, क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो जब स्प्लिटिंग होगी वो तीन तरीकों से होगी, या तो बडिंग के थ्रू होगी, बडिंग के थ्रू, अभी आपको बताता हूं, या तो आर्किटोमी होगी, क्या होगी, आर्किटोमी, या फिर पैराटोमी होगी। अब इन तीनों को देखते हैं, क्या होता है कि जब एनिमल्स में फ्रेगमेंटेशन होता है तो आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझ में फ्रेगमेंटेशन होता था तो अगर मेरा हाथ यहां से कट जाता तो मेरा ये जो हाथ है ये मेरे जैसा एक और बंदा बना देता, और मेरे शोल्डर से एक और हाथ निकल आता तो मैं भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट, राइट, फ्रेगमेंट्स हो गए ना। तो मेरा हाथ अगर कट जाता तो ये मेरा हाथ मेरी बॉडी का एक फ्रेगमेंट होता और मैं भी एक और फ्रेगमेंट होता, तो इसी तरह मैंने आपको डायग्राम बताया है, डायग्राम में समझा है, ठीक है। तो एनिमल्स में जब स्प्लिटिंग होती है, जब फ्रेगमेंटेशन होती है, स्प्लिटिंग का मतलब यहां मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स, स्प्लिटिंग का मतलब फ्रेगमेंटेशन, तो एनिमल में फ्रेगमेंटेशन तीन तरीकों से होती है, या तो बडिंग होगी, या तो आर्किटोमी होगी, और या फिर पैराटोमी होगी। अब एनिमल्स में ये जो पैराटोमी और बडिंग है ये थोड़ा थोड़ा सेम है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इन दोनों को, आर्किटोमी और पैराटोमी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्किटोमी, ये क्या है, आर्किटोमी क्या है, आर्किटोमी कुछ इस तरह है कि आर्किटोमी के दौरान ऑर्गेनिज्म का एक हिस्सा एक खास पॉइंट से फ्रेगमेंट डेवलप होता है, और फिर क्या होता है, फ्रेगमेंट जब टूट जाता है इस तरह, देखें फॉर एग्जाम्पल एक जानदार बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ओके, एक जानदार किस तरह बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक जानदार है, ठीक है, और ये आगे इसका जो है वो नाक है, ठीक है, मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं, ये इसका आंख है और ये इसके बाल है, ये इसके पांव और ये हाथ, ठीक है, ये क्या है, ये आगे वाला हिस्सा है। तो क्या होता है कि यहां पर फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, क्या स्टार्ट हो गई, फ्रेगमेंटेशन, तो यहां पे ये टूट जाएगा, तो जब ये टूट जाएगा तो ये जानदार इस तरह हो जाएगा, देखिए ये इसका वो हिस्सा जो टूट गया, ठीक है, ये पिछला वाला हिस्सा, और ये उसका दूसरा हिस्सा इस तरह से, ठीक है, ऐसे इसके पांव हो गए। अब देखिए यहां से ये टूट गया था तो ये इसका
आंख और ये इसके बाल। देखिए दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये इसका एक फ्रेगमेंट है ना, क्या है, फ्रेगमेंट है। तो आर की टूमी में जानदार का कोई भी हिस्सा अगर टूट जाए, कोई भी हिस्सा, तो वो हिस्सा इस हिस्से से फिर इसी तरह का नया जानदार बन जाएगा। देखिए देखिए देखिए, समझ गए आप, कोई फर्क तो नहीं है इंशाल्लाह, आपको सिर्फ समझना है। देखिए वो जो जगह थी, वो जो थोड़ी सी जगह थी, देखिए इस थोड़ी सी जगह से पूरा जानदार बन गया, फ्रेगमेंट कंप्लीट हो गया जानदार। अब ये भी आगे जाके अपने इस पिछले वाले जगह को कंप्लीट करेगा और फिर एक नया जानदार बनाएगा। तो क्या हो गया कि फ्रेगमेंट से आर्किटूमी में जानदार की किसी भी जगह से अगर कोई फ्रेगमेंट टूट जाए और उस जानदार में अगर फ्रेगमेंटेशन की खासियत मौजूद हो तो वो उस हिस्से को नया जानदार बना देगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम आर्किटूमी इन एनिमल्स कहते हैं। अब पैराटूमी कैसे होता है? पैराटूमी कोई मुश्किल नहीं, आसान है। पैराटूमी, ये पैराटूमी जो है वो एक दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन का एनिमल्स में। क्या होता है कि जानदार आगे पीछे हिस्से में डिवाइड होता है। क्या होता है? जानदार आगे पीछे हिस्से में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं आपको, मिसाल के तौर पर ये एक जानदार है। फॉर एग्जांपल ये इसके पांव हैं, एक नया जानदार है, ठीक है, इसके बड़े बड़े कान हैं, ठीक है, ये वाला। अब देखें होगा ऐसे, मिसाल दे रहा हूं आपको, पैराटूमी में जानदार यहां से कट जाएगा, ठीक है। अब जब यहां से कटिंग हो गई तो क्या होगा, जानदार इस तरह बन जाएगा। इस तरह हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इसके क्या कान, इसकी आंख, एक आगे वाला हिस्सा जो कि एंटीरियर हम इसे कहते हैं, एंटीरियर, और एक पीछे वाला हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर। तो पैराटूमी में जानदार आगे और पीछे हिस्से में डिवाइड होता है। तो एक हिस्सा इसके आधे बॉडी का, एक हिस्सा इसके पीछे बॉडी का हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ही दोनों से ये जो सर वाला हिस्सा है ये हेड वाला है और ये टेल वाला है। तो पैराटूमी में जानदार हेड टू टेल कट जाता है, और ये टेल वाला जो हिस्सा है, टेल वाला जो हिस्सा है ये आगे जाके हेड बनाएगा, और हेड वाला जो हिस्सा है ये आगे जाके टेल बनाएगा। तो फिर क्या बनेंगे, दो जानदार बन जाएंगे इससे। तो आपने इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, फिर इससे भी इस तरह का पूरा जानदार बनाना है, इससे भी इस तरह का पूरा जानदार बनाना है। तो कितने जानदार बन जाएंगे आपके साथ? दो। तो पैराटूमी में जानदार एंटीरियर पोस्टीरियरली कट जाता है, हेड हिस्सा और टेल हिस्सा बन जाता है, और हेड वाला हिस्सा टेल बनाएगा, टेल वाला हिस्सा हेड बनाएगा, और फिर दो जानदार बन जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं पैराटोमी, और बडिंग भी इसमें इसी तरह का होता है एनिमल्स में। तो ये देखें, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है एनिमल्स में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये फ्रेगमेंटेशन किन किन चीजों में होती है, किन किन जानदारों में होती है? तो दोस्तों फ्रेगमेंटेशन हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मोल्ड्स में होता है, लाइकन्स में होता है, क्या, मोल्ड्स, लाइकन्स, सी ऑर्चिन में होता है, सी ऑर्चिन में होता है, फिर दूसरे कौन से जानदार है, स्पॉन्जेस में होता है, स्पॉन्जेस में होता है, फ्लैट वर्म्स में भी होता है, फ्लैट वर्म्स। अब फ्लैट वर्म्स में अगर आप देखें तो बडिंग होगी, फ्लैट वर्म्स में बडिंग होगी। तो मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट वर्म है,
तो ये यहाँ पे कट जाएगा, ये इसका हेड वाला पोर्शन, ये इसका टेल वाला पोर्शन। मैंने आपको कहा कि पेराटोमी और बडिंग कुछ सेम के है, ठीक है। स्टारफिश में होगा, स्टारफिश सी स्टार, ठीक है। ये इन जानदारों में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया प्लेनेरिया में भी होता है, प्लेनेरिया, ठीक है। तो आपने ये जानदार याद रखने हैं कि इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो ये था हमारा टॉपिक फ्रेगमेंटेशन के ऊपर, हमारी लेक्चर थी दोस्तों। यहाँ तक जो है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स थे वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गए। अब रीजनरेशन हमारे बुक में तो नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि रीजनरेशन को भी आपको समझाऊँ, और फिर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है वो तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। ताकि बस मैं आपको सिंपल अल्फाज में कहूँगा कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग जितना चाहे, जितना हो सकता है, जितना मुमकिन हो, आप मेरे वीडियोस को शेयर करते जाइए। ये चैनल मैंने अभी अभी नया बनाया है, तो आपसे गुजारिश है कि हम इस चैनल को बहुत आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ताकि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स इन तरह के लेक्चर्स से महरूम होते हैं, क्लास में सही इंटरेस्ट नहीं लेते, बायोलॉजी को पढ़ लेते हैं, इसी से फारे होकर कुछ भी नहीं सीखा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस को शेयर करें, ताकि दोस्तों को फ़ायदा हो और मुझे सिर्फ ही फ़ायदा हो कि आप लोगों के दिल से मेरे लिए बहुत अच्छी दुआएं निकलें। शुक्रिया।